हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग यामाहा FZS वर्जन 5 के बारे में। देखिए, आपको पता है दोस्तों, इंडियन मार्केट में भाई दिन ब दिन बाइकों में कोई ना कोई अपडेट आता जा रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, यामाहा एक ऐसा ब्रांड है जो कि टाइम टू टाइम अपनी बाइकों में अपडेट लेकर आता है, और यामाहा से ज़्यादा अपडेट कोई कंपनी इंडियन मार्केट में अपडेट नहीं लाती। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले FZ के बारे में, अपकमिंग FZS वर्जन 5 के बारे में कि कंपनी यहाँ इस बार इस बाइक में क्या क्या नया अपडेट लेकर आने वाली है, कंपनी इसमें क्या कुछ नया लेकर आ सकती है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होगी भाई, वो लास्ट में ज़रूर बताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के चेंजेस के बारे में, कंपनी ने इस बाइक में क्या क्या चेंजेस ला सकती है, कंपनी इसमें क्या कुछ नया ला सकती है, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको पता तो इस बाइक में आपको सबसे पहला जो चेंज मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा इस बाइक की पावर में। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यामाहा की जो FZ है वो काफ़ी अंडर पावर बाइक है। इसमें आपको 12.4 का PS पावर एंड 13.3 का टॉर्क है। देखिए, पावर अगर देखा जाए तो बहुत कम तो नहीं है, जनरल यूज़ के लिए ओके, बट अगर आप इसकी कंपेरिजन इंडियन मार्केट में ऑलरेडी जो 150 सेगमेंट की बाइक है उनसे अगर आप कंपेयर करें, उस कंडीशन में इसमें जो आपको पावर है ना, वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, और ये यामाहा खुद भी जानता है। तो कंपनी यहाँ पे सबसे पहले अपडेट देने वाली इस बाइक के पावर में, इसमें आपको लगभग 15 PS के आसपास की पावर मिल सकती है। लगभग इस बाइक में आपको 13.5 के आसपास जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, ताकि ये बाइक अपनी अपाचे, एक्सट्रीम 160 या पल्सर 150 इन बाइकों को टक्कर दे सके। तो ये पहला अपडेट मिलने वाला है पावर में। दोस्तों, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड अपडेट होगा इस बाइक की लाइटिंग्स में। देखिए, अभी दोस्तों इस बाइक में आपको फुली जो है LED लाइट आपको देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी प्रीमियम लाइट, कंपनी ने काफ़ी अच्छी लाइट दी है। बट आपको पता है दोस्तों, यामाहा अभी एक चीज़ में ज़्यादा फोकस करता हुआ दोस्तों, सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट। तो भाई यहाँ पे 99% चांसेस है कि वर्जन 5 में आपको सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छी लाइट रहेगी। लुकिंग वाइज भी बहुत ज़्यादा बेहतर आपको लाइट यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये दूसरा अपडेट आपको बाइक में मिलेगा इस बाइक की लाइटिंग। दोस्तों, इसमें जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है इस बाइक के स्पीडोमीटर में होने वाला है। देखिए, स्पीडोमीटर में लास्ट टाइम कंपनी ने यामाहा MT-15 का जो मीटर है इस बाइक में भाई दे दिया था, बट इन्होंने इसमें एक मेन चीज़ जो है इसे मिसिंग कर दी थी, और वो क्या था, वो था दोस्तों इस बाइक का गियर इंडिकेटर। कंपनी ने यामाहा वाला मीटर तो दे दिया, बट इन्होंने जो गियर इंडिकेटर है वो यहाँ से इन्होंने मिसिंग कर दिया, जो कि मुझे इस बाइक का काफ़ी बड़ा माइनस पॉइंट लगा। सो इस बार कंपनी इसमें जो अपडेट लाएगी उसमें आपको 110% कंपनी जो है गियर इंडिकेटर भी इस बाइक में ऑफर करने वाली, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और कंपनी को ये अपडेट भी इस बाइक में लाना चाहिए। ठीक, तो ये भी एक नया अपडेट आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो होने वाला है इस बाइक के सस्पेंशन में। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अभी इस बाइक में आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं वो आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, बट अब जमाना आ गया USD फोक सस्पेंशन का। आप किसी भी को ब्रांड देखिए, हर कंपनी जो USD फोक सस्पेंशन में काम करी, जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल है N160 और NS160, जो कि यामाहा की FZ का बहुत बड़ी कंपटीटर बाइक है, उसको नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो भाई यामाहा वालों को अर्जेंट में अपनी बाइक में USD फोक सस्पेंशन लाना चाहिए। अर्जेंट में आए तो आया या नहीं पता नहीं, बट वर्जन 5 में आपको 110% कंपनी जो है USD फोक सस्पेंशन इस बाइक में देने वाली है। ये भी जो नया अपडेट है दोस्तों, इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका जो दूसरा अपडेट होने वाला है, फोर्थ अपडेट होने वाला है इस बाइक की ब्रेकिंग में। देखिए दोस्तों, एक टाइम था जब कंपनियाँ इतनी आती थी, बट इसमें सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी नहीं मिलता था, बट आज का टाइम है सिंगल चैनल इवेज तो 150 में कंपलसरी हो गया। बट कंपनी क्या कर रही है, अब अपने कस्टमर को अपनी ओर खींचने के लिए डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में काम कर रही है। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, खींचने के लिए। कहते से देखा जाए तो 150-160 सेगमेंट में डुअल चैनल लीबेस की कोई जरूरत नहीं है, बट जब से N160, NM-160, अपाचे RTM-160 में डुअल चैनल लीबेस आया, तब से हर कंपनी छोटी छोटी बाइकों में भी HD फोक सस्पेंशन देने की सोच रही है, जिसमें से एक यामाहा भी है। तो वर्जन 5 FZ रहेगी ना, उसमें आपको दोस्तों HD फोक सस्पेंशन भी आपको देगा, डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट होने वाला इस बाइक की टेल लाइट में। दोस्तों, आपको पता है कंपनी उसकी जो टेल लाइट है इसमें भी नया चेंजेस ला सकती है। वर्जन 5 में इसकी जो टेल लाइट रहेगी वो आपको और ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, और अच्छी मतलब लुकिंग वाइज टेल लाइट मिलेगी, थोड़ा मतलब एक स्पोर्टी लुक वाला जो टेल लाइट है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। मतलब इस टाइप का जो लुक है कंपनी यहाँ पे ऑफर करने वाली, ये भी एक जो नया अपडेट है दोस्तों आपको इस बाइक में मिलेगा। इसका जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो होने वाला है इस बाइक की ग्राफिक्स में। दोस्तों, आपको बता दूँ, यहाँ पे जो कंपनी है भाई इतना सारे अपडेट लाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ नए ग्राफिक भी हमारे सामने इंट्रोड्यूस करने वाली है। अब वो आने के बाद पता चलेगा ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन कैसा होने वाला है, बट आई होप जो भी ग्राफिक आपको इस बाइक में देखने को मिले, कंपनी अच्छे ग्राफिक इस बाइक में ऑफर करेगी। तो ये भी एक नया अपडेट जो आपको बाइक में देखने को मिलने वाला है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो कंपनी ये भी जो नया अपडेट इस बाइक में लेकर
आने वाली, ये सारे अपडेट इस बाइक में आपको देखने को मिलेंगे। बात करें चेंजेस के बारे में, मतलब प्राइस के बारे में, प्राइस कितना चेंज होगा, वर्जन 4 की कंपेयर में 5000 रुपीज़ के आसपास का प्राइस का बढ़ सकता है। और अगर मैं बात करूँ लॉन्च डेट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस साल के दिवाली मंथ तक ये बाइक इंडियन मार्केट में कंपनी लॉन्च कर सकती है। ताकि कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकता है। सुमित करता हूँ आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।